एक तरफ बढ़ती गर्मी और दूसरी तरफ आग लगने का सिलसिला थम नहीं रहा। उधमपुर के नेशनल हाईवे पे प्रेम स्वीट के बिल्कुल साथ में एक स्क्रैप यार्ड में भयंकर आग लगी। तस्वीरें आपके सामने हैं। नेशनल हाईवे पे लगी है, प्रेम स्वीट्स के कॉल आई है, उसके बाद से हमने अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय करना शुरू कर दिए हैं। और अभी जो हमारे पहुंचने से पहले जो आग का स्केल था, हमने उसको अब कंटेन कर दिया और आगे फैलने नहीं दे रहे हैं। हमारे जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आगजनी के मामले भी सामने लगातार आ रहे हैं। बीती रात की बात करें तो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रेम स्वीट्स के बिल्कुल साथ में एक स्क्रैप यार्ड यानी कि कुआड़खाना जिसे कहते हैं, वहां पर भयंकर आग लग गई। तस्वीरें हम आपको साफ दिखा रहे हैं और आग इतनी भयंकर थी कि यहाँ पर दमकल विभाग को भी बुलाना पड़ा। आप खुद तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से स्क्रैप यार्ड जो है वो धुँ धुँ कर जलता हुआ नज़र आ रहा है। इसी के साथ अगर बात करें तो रिहायशी इलाका भी है, लोग भी रहते हैं, लेकिन अब दमकल विभाग जब पहुंचा यहाँ पर, ये देखिए आग बुझाने का प्रयास कर रहा था और काफ़ी राहत जो है वो साथ में रहते लोगों को भी मिली होगी, लेकिन आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चला। लेकिन आप लोग भली भांति जानते हैं कि जिस तरह से गर्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर काफ़ी बढ़ता जा रहा है और आग लगना भी अब लगातार इसी तरह से जारी है। जिस तरह से कुछ पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में भी लगातार इसी तरह के मामले जो हैं वो सामने नज़र आ रहे हैं, आगजनी हो रही है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको उधमपुर के जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग बिल्कुल प्रेम स्वीट्स के पास जहाँ पे DPS स्कूल है उसकी उसी के साथ में स्क्रैप यार्ड है यानी कि कुआड़खाना है, वहाँ पर ये आग लगी। उसके बाद इसकी जानकारी तुरंत दमकल विभाग को दी गई और दमकल विभाग के कर्मचारी बखूबी अपना कार्य करते नजर आ रहे हैं। तो आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं दमकल विभाग के अधिकारी इस मामले पर। नेशनल हाईवे पे लगी है, प्रेम स्वीट्स के कॉल आई है, उसके बाद से हमने अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय करना शुरू कर दिए हैं। और अभी जो हमारे पहुंचने से पहले जो आग का स्केल था, हमने उसको अब कंटेन कर दिया और आगे फैलने नहीं दे रहे हैं। हमारे सर रेजिडेंशियल एरिया भी नज़दीक है, रेजिडेंशियल एरिया भी है, तो किस तरह से आपका रिएक्शन रहेगा इसको जल्दी से? रेजिडेंशियल एरिया जब हम पहुंचे तो हमने देखा रेजिडेंशियल एरिया की तरफ भी आग ट्रैवल कर रही है, तो वहाँ पे हमने अपने मैनुअल दूसरी टेक्निक्स यूज़ करके आग को कंटेन कर दी जहाँ तक हमारे तक आने तक पहुँची थी। क्या ये स्क्रैप यार्ड था यहाँ पे आग लगी? हाँ, एक स्क्रैप यार्ड है जहाँ पे आग लगी हुई है।